वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की कट ऑफ के बारे में कि 2020 में उत्तर प्रदेश स्टेट की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि मैं आप सभी स्टूडेंट को 2019 के डाटा के बेसिस पर बताने वाला हूं कि 2019 में उत्तर प्रदेश स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज पर कितनी रैंक पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका था, ताकि आपको ये आसानी हो सके कि आपके कितनी रैंक्स आनी चाहिए कि ताकि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। एक बात और फिर से बता दूं कि मार्क्स हर साल चेंज होते हैं लेकिन रैंक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अपने आप सिर्फ रैंक को देखिए कि कितनी रैंक पे प्रीवियस ईयर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका था। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास समय समय पर आती रहे। तो आप सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा कि इसके अंदर 2019 की जो उत्तर प्रदेश स्टेट की कट ऑफ लिस्ट है इसमें बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं। एक तो कॉलेज नेम का कॉलम बना हुआ है और कैटेगरी वाइज कॉलम बने हुए हैं। हर कैटेगरी में रैंक और स्कोर्स के कॉलम बने हुए हैं। और हम फर्स्ट नंबर की मेडिकल कॉलेज की बात करें, उत्तर प्रदेश की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो प्रीवियस ईयर्स की बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 1912th रैंक पर जो ये कॉलेज है मिल चुका था। तो आपको सिर्फ रैंक पे ध्यान देना है, मार्क्स पे नहीं देना है। ओबीसी की बात करें 2839 रैंक पर ये कॉलेज है वो मिल चुका था। एससी कैटेगरी की बात करें 34051 रैंक पर जो ये कॉलेज है वो मिल चुका था। एसटी कैटेगरी की बात करें 1,70,862 रैंक पर ये जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का वो मिल चुका था। ईडब्ल्यूएस के लिए अभी जो डाटा है नहीं है, जैसे ही डाटा आ जाएगा वैसे ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसी प्रकार सेकंड नंबर की मेडिकल कॉलेज की बात करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोमती नगर लखनऊ। यदि हम देखें यूआर कैटेगरी के लिए, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर्स गई थी इस कॉलेज के लिए 3,771 रैंक पर ये कॉलेज मिल चुका था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 4,684 रैंक पर ये जो है कॉलेज मिल चुका था। इस तरह एससी कैटेगरी देखें 58,981 रैंक पर ये कॉलेज मिल चुका था। एसटी कैटेगरी की बात करें 1,78,728 रैंक पर ये कॉलेज मिल चुका था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गई थी 5,304 रैंक पर ये कॉलेज मिल चुका था। इसी प्रकार हम बात करें थर्ड नंबर की मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, तो इसके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की देखिए प्रीवियस ईयर्स गई थी 6,629 रैंक पर यह मेडिकल कॉलेज है वो मिल चुका था। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें 7,636 रैंक पर यह कॉलेज मिल चुका था। एससी कैटेगरी की बात करें 73,500 रैंक पर यह कॉलेज है वो मिल चुका था। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी की देखें 2,14,903 रैंक पर यह कॉलेज मिल चुका था। इसी प्रकार देखें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 8,480 रैंक पर जो ये मेडिकल कॉलेज है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ये प्रयागराज पर मिल चुका था। तो फोर्थ नंबर मेडिकल कॉलेज की बात करें, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो मेरठ में स्थित है, तो प्रीवियस ईयर्स रैंक गई थी 8,065 रैंक पर जो ये मेडिकल कॉलेज है वो मिल चुका था। तो मैं सिर्फ इधर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बता रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी वाइज देखते रहिए इसके अंदर। इसी प्रकार फिफ्थ नंबर मेडिकल कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, इसके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बात करें इधर गई थी प्रीवियस ईयर्स 8,128 रैंक पर जो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को ये कॉलेज मिल चुका था। अगली बात करते हैं सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में जो स्थित है, उसके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए प्रीवियस ईयर्स गई थी 8,510 रैंक पर जो लास्ट रैंक गई थी तब उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को ये गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल चुका था। इसी प्रकार अगले कॉलेज की बात करें, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, तो प्रीवियस ईयर्स गई थी 9,172 अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए लास्ट जो रैंक गई थी ये गई थी उस पर यह मेडिकल कॉलेज मिल चुका था। इसी प्रकार अगली कॉलेज की बात करें, महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज जो झांसी में है, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 10,310 रैंक पर जो मेडिकल कॉलेज मिल चुका था। आप सिर्फ मार्क्स पे मत ध्यान दीजिए, रैंक्स पे ध्यान दीजिए। अगली मेडिकल कॉलेज की बात करें, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सफाई जो इटवा में स्थित है, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 10,900 रैंक पर। लास्ट रैंक पर ये मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो चुका था अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए। अगली मेडिकल कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 11,447 रैंक पर जो ये मेडिकल कॉलेज मिल चुका था। और बाकी कैटेगरी वाले अपनी अपनी देखते रहिए, मैं सिर्फ अनरिजर्व्ड के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। अगली बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेड
कर अंबेडकर नगर उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 12,084 रैंक पर, जो ये मेडिकल कॉलेज है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को मिल चुका था। उसी पर अगली मेडिकल कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 12,531 रैंक पर, जो लास्ट मेडिकल कॉलेज है वो मिल चुका था। इसी प्रकार बात करें ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या में जो स्थित है, उसके लिए जो रैंक गई थी 12,953 रैंक पर, जो ये मेडिकल कॉलेज है वो मिल चुका था। तो अगली मेडिकल कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बादौन में स्थित है, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 13,058 रैंक पर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को ये गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल चुका था। अगली मेडिकल कॉलेज की बात करें, ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 13,169 रैंक पर, यह मेडिकल कॉलेज मिल चुका था। इसी प्रकार अगली मेडिकल कॉलेज की बात करें, ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज साजनपुर, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 14,085 रैंक पर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को इसमें लास्ट मेडिकल सीट मिल चुकी थी। इसी प्रकार अगली मेडिकल कॉलेज की बात करें, ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज बास्ती, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 14,439 रैंक पर, इसमें सिलेक्शन हो चुका था। इसी प्रकार अगली कॉलेज की बात करें, ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज बहराइच, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 14,621 रैंक पर, जो ये मेडिकल कॉलेज है वो मिल चुका था। इसी प्रकार अगली मेडिकल कॉलेज की बात करें, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में स्थित है, उसके लिए लास्ट रैंक गई थी 14,621 रैंक गई थी, सेम रैंक गई थी जो ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज बहराइच में गई थी, वही सेम रैंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में गई थी। तो ये थी सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ। यदि आपके मार्क्स आपकी रैंक्स इनके अकॉर्डिंग आ रही है, यदि इनसे लेस आ रही है, तो आप अपने आप को सेफ जोन मान सकते हो कि आपका इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हर साल मार्क्स चेंज होते हैं, लेकिन रैंक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो आप सिर्फ अपनी रैंक को देखिए, इसके अंदर प्रीवियस रैंक्स कितनी गई थी। यदि आपकी रैंक उससे लेस आ रही है, तो आप अपने आप को सेफ जोन मान सकते हो कि मेरा इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो कट ऑफ लिस्ट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हो। और मैं कल या परसों तक मैं उत्तर प्रदेश स्टेट की किस प्रकार से काउंसलिंग प्रोसेस होती है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किस प्रकार से चॉइस लॉकिंग होती है, किस प्रकार से चॉइस फिलिंग होती है, किस प्रकार से आपको फाइनल सबमिशन कराना है, वो सब मैं एक सेपरेटेड वीडियो में उसमें क्लियर आपको बता दूंगा। तो आज ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।